Our next speaker is Mr. Rinkesh Cheda. You are seeing the first stall on Prana Violet Healing, PVH. You must have been taken some healings also from them. So Mr. Rinkesh, he has started his spiritual journey in 2000. He's a very young guy. When I was just interacting during this break, I found him, he's just 36 years young. And at this age, he is a Reiki grandmaster. He has taken training in yoga, art of living, pranic healing, shiv yoga, etc. And presently he is working with the Prana Violet Healing. And in just a 1.5 years of time, he has completed 49 workshops. And the 50th workshop, it's there shortly in the Borivali. So it's a very, very big achievement for this young guy. So we should welcome, he's sabse younger hai. Thank you, Geeta ji. Thank you. Thank you, Kumar ji, Ashok ji. और ये ऑर्गेनाइजेशन को बहुत बहुत ज़्यादा ग्रेटिट्यूड और आप लोगों को भी कि आप लोग यहाँ पे आ रहे हो अपना कीमती समय दे रहे हो और कुछ नया जान के जा रहे हो सो आप लोगों का भी बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया मेरा इंट्रोडक्शन तो गीता जी ने दे ही दिया है पीवीएच किसको पता है पीवीएच क्या है यहाँ जितने बैठे हैं इसमें से शायद बहुत कम हार्डली 1% 2% राइट क्योंकि ये थेरेपी का जो चालू ही हुई है 2008 में पीवीएच चालू ही हुआ 2008 में और आज बहुत सारी कंट्रीज में बहुत बड़े लेवल पे आज विद इन 10 to 12 ईयर्स बहुत ज्यादा फैल चुका है हम देखेंगे ये कैसे आगे बढ़ा कैसे इसका फाउंड कैसे फाउंड हुआ ये थेरेपी सो सभी का वेलकम पीवीएच एक नो ड्रग नो टच थेरेपी है हम किसी को मेडिसिन नहीं देते हम किसी को टच भी नहीं करते हैं तो आप अभी पूछोगे कि अगर टच भी नहीं करना है अगर मेडिसिन भी नहीं देना है कोई चैंटिंग भी नहीं करना है कोई मेडिटेशन भी नहीं करना है तो हीलिंग कैसे होता है राइट सो और हमारे पीवीएच परिवार में सबसे यंगेस्ट एक मेरे से भी यंगेस्ट एक लड़की है जिसकी उम्र सिर्फ 9 साल की है और वो आज पीवीएच की क्लासेस लेती है सिर्फ 9 साल की बच्ची इज इट अमेजिंग Sounds nice. शायद आपके मन में होगा ये 9 साल की बच्ची है खेलने कूदने की उम्र है और पीवीएच जैसा गहन विषय कैसे सिखा सकती होगी राइट इतना सिंपल है इवन अ 9-10 ईयर ओल्ड चाइल्ड कैन लर्न एंड डू हीलिंग एंड सामने वाले को भी वो हील कर पाती है बिकॉज आगे देखेंगे कैसे होता है पीवीएच के फाउंडर मिस्टर शिवापी मलेशियन है मलेशिया में ही इनका बॉर्न एंड ब्रॉटअप हुआ है एक मैकेनिकल इंजीनियर है और पेशे से बिजनेसमैन है कोई ऐसे गुरु नहीं है या कोई ऐसा कुछ अलग इनका ये नहीं है नॉर्मल हमारे जैसे ही ह्यूमन बीइंग है इनके फोर फादर्स हमारे साउथ में ही थे चेन्नई से थे लेकिन उनका जन्म और जो भी स्टडीज वगैरह थी वो मलेशिया में हुई और मलेशिया में उन्होंने इंजीनियरिंग की डिग्री ली उनका कोलालंपुर में बड़ा सा बिजनेस भी चल रहा है तो आप सोचोगे ये बिजनेसमैन है कैसे इतनी सारी जगह जाके ये सब कैसे हुआ यानी ये थेरेपी उन्होंने कैसे फाइंड आउट की और कैसे ये आगे बढ़ा क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज में आज प्राणा वायोलेट हीलिंग आज प्रैक्टिस हो रहा है आज लोग बहुत सारे पीवीएच में टीचर बनके बहुत सारी जगह पे आज प्रैक्टिस कर रहे हैं लोगों को ये ज्ञान बांट रहे हैं और आगे बढ़ रहा है और
ये बहुत सारी कंट्रीज में, इससे भी ज्यादा कंट्रीज में आज प्रैक्टिस हो रहा है, जैसे कि इंडिया है, स्पेन है, उरुग्वे है, चाइना है, बर्मा है, रशिया है, न्यूजीलैंड है, थाईलैंड है, बहुत सारी ऐसी कंट्रीज. एंड कमिंग ईयर्स में, यानी कमिंग दिस मंथ और नेक्स्ट मंथ, पीवीएच साउथ अफ्रीका में भी जा रहा है, जो बहुत ही डिफिकल्ट है, लेकिन डिवाइन ने भेजा है, डिवाइन का आदेश है, और वो पीवीएच अब साउथ अफ्रीका जैसी कंट्रीज में जा रहा है. किसको पता ये क्या है? वैसे नाम तो लिखा ही है. कोई गया है वहां पे? नो वन. ये एक इंडोनेशिया में जोगजकार्ता करके एक जगह है, वहां पे एक बोरोबुदुर टेंपल करके इसको बोला जाता है. सो पीवीएच का जो भी बेस है, या पीवीएच से जो भी, पीवीएच का जो भी एनर्जीज है, या जो भी है, या जो भी नॉलेज आता है, वो इस टेंपल के थ्रू ही आता है. शिवा सर ने, जैसे जैसे वो बड़े हुए मलेशिया में, तो उनके देश में बहुत सारे कुछ बीमारियां थी, बहुत लोग गरीब थे, और वो सब देख देख के वो बड़े हुए, तो उनके मन में एक सवाल ऐसा आया कि मुझे कुछ करना है इन लोगों के लिए, ऐसा कुछ मुझे भगवान दीजिए कि मैं कुछ आगे इन लोगों के लिए कुछ ऐसी चीजें दे सकूं जिसमें पैसा भी ना लगे और इमीडिएटली वो ठीक भी हो जाए. सो ये सवाल आता गया उनके जहन में, और कुछ डिवाइन का डायरेक्शन हुआ, वहां पे उन्होंने विजिट किया ये टेंपल पे, और 35 फुल मून्स, 35 फुल मून के बाद उनको ये नॉलेज यहां से मिला. उन्होंने ना कभी भी पूजा की है, ना कोई मेडिटेशंस किया है, या ऐसी कोई कर्मकांड या कुछ भी मेडिटेशन चैंटिंग कुछ भी नहीं किया है. वहां जाते थे, बैठते थे, प्रार्थना करते थे कि डिवाइन भगवान मुझे कुछ ऐसा दे दीजिए जिससे कि मैं लोगों की मदद कर सकूं. और आफ्टर 35 फुल मून उनको पीवीएच से, यानी उनको इस टेंपल से ये हीलिंग वॉन्ड मिला. ये हीलिंग वॉन्ड ये ही सब हीलिंग करता है. और इसके साथ जब भी आप वर्कशॉप करेंगे तो आपको एक अफर्मेशंस मिलता है, दैट इज ऑल्सो फ्री. सो ये हीलिंग वॉन्ड और अफर्मेशंस आप वर्कशॉप जब भी हमारा करते हैं, आपको फ्री में दिया जाता है. ये जो टेंपल है उसका फोटोग्राफ्स है, और अगर आप ये वॉन्ड पे देखोगे तो ये जो स्क्वेरिश पार्ट है, तो स्क्वेरिश पार्ट जो एरियल व्यू है बोरोबुदुर टेंपल का, दैट इज एम्बोज इन दिस हीलिंग वॉन्ड. दोनों साइड ये ज्योमेट्री दिया हुआ है, और ये कनेक्टेड है बोरोबुदुर टेंपल से, इसकी एनर्जीज भी बोरोबुदुर टेंपल से ही आती है. हमारा मिशन और विजन, सर का मिशन यही है कि हर एक घर में, हर एक घर वाला प्रॉपर हो, सुख संपत्ति से भरपूर हो, और एकदम स्वस्थ हो. और सर का ड्रीम है कि इंडिया ही नहीं, पूरे वर्ल्ड में हर लेडीज के लिए एक हीलिंग वॉन्ड उसके घर में होना चाहिए, उसके पास होना चाहिए, क्योंकि पुरुष की कंपैरिजन में लेडीज को बहुत सारे इश्यूज रहते हैं अपनी लाइफ में, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल बहुत ज्यादा रहते हैं कंपेयर टू मेल, कंपेयर टू पुरुष. सो उन्होंने बहुत कुछ एक स्पेशल कोर्सेज भी स्पेशली फॉर लेडीज के लिए रखे हुए हैं, और एक स्पेशल वॉन्ड भी अलग से उनको देते हैं, और स्पेशली लेडीज के वर्कशॉप्स वो कंडक्ट करते रहते हैं. आपको जैसे पता ही होगा कि ये जो मेरा फिजिकल बॉडी है उसके ऊपर जो अदृश्य बॉडी है उसको हम ओरा कहते हैं, राइट? और बहुत कुछ नॉलेज आपके पास ऑलरेडी होगा, ओरास, चक्रास, नाड़ीस. सो पीवीएच में हम ओरा को एक चार लेयर का ओरा देखते हैं. फर्स्ट लेयर है एनर्जी बॉडी, सेकेंड लेयर है इमोशनल या एस्ट्रल बॉडी, थर्ड लेयर है मेंटल बॉडी, और फोर्थ लेयर है हमारा कॉजल बॉडी. हर एक लेवल का अलग अलग मीनिंग है, अलग अलग हीलिंग होता है उससे,
अलग अलग लेवल पे उसका हम हीलिंग कर सकते हैं. तो हम जब बेसिक वर्कशॉप लेते हैं तो हम इमोशनल एनर्जी बॉडी पे काम करते हैं. फर्स्ट लेयर ऑफ हमारा ओरा दैट इज एनर्जी बॉडी, हम उस लेयर पे काम करते हैं. हमारा जब भी एडवांस और ईएफएच रहता है तभी हम हायर लेवल के एनर्जी बॉडी पे काम करते हैं, यानी आ गया एस्ट्रल लेवल, मेंटल लेवल और कॉजल लेवल्स. वैसे ही ये और एक फोटो दिया हुआ है ह्यूमन बॉडी और उसके ओरास. ये कलर्स दिए हुए हैं, चक्रास और उसके कलर्स. ये सब स्किप करता हूं मैं. जैसे हमारे ओरा है, हमारा चक्रे, हमारा चक्रास है, ओरास है, वैसे ही एनिमल्स, बर्ड्स, लिविंग थिंग्स के भी चक्रास और ओरा है. ये हमारा ह्यूमन एनाटॉमी, हमारे कितने ऑर्गन्स कहां कहां है. ये हमारे हायर लेवल के चक्रास हैं जो हमारे हेड के ऊपर है. हमें प्राणा कहां से मिलता है, कोई बताएगा? वैसे स्क्रीन पे तो सब लिखा है. फाइव एलिमेंट्स. कौन कौन से हैं वो फाइव एलिमेंट्स? अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी और जल. सो इन पांचों में से ही हमें प्राणा मिलता है, राइट? सो हम क्या कर रहे हैं पीवीएच, एज अ पीवीएच हम क्या कर रहे हैं? हम सिर्फ और सिर्फ मीडिएटर हैं. हमारे ये पांचों एलिमेंट्स से वो एनर्जी ग्रहण करते हैं इस वॉन्ड के थ्रू, और इस वॉन्ड के थ्रू ही एनर्जी पेशेंट में ट्रांसमिट होती है, और ये हीलिंग वॉन्ड ही सब कुछ करता है. सो ये कैसे करता है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इसकी प्रोसीजर क्या है, वो हम वर्कशॉप में आपसे पूरा डिटेल में शेयर करते हैं. ये पांच एलिमेंट्स कहां कहां से प्राण शक्ति हमें मिलती है. अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि हमें जो ये सफरिंग्स है या डिजीज हुआ या रोग हुए या जो भी तकलीफें होती है डे टू डे लाइफ में, तो उसका रीजन क्या है? यस मैम. माइंड, ओके, ओरा वीक और कार्मिक और कोई रीजन क्या है? हमें कुछ रोग हुआ या कुछ तकलीफ हुई या पेन हुआ या कुछ भी? इम्बैलेंस ऑफ व्हाट? इम्बैलेंस ऑफ फाइव एलिमेंट्स. यस. और एटमॉस्फेयर मींस पॉल्यूशन लाइक, ओके, और थॉट्स, माइंड्स, नेगेटिव थॉट्स, और स्ट्रेस भी होता है, काम का स्ट्रेस या बहुत कुछ और चीजों का स्ट्रेस, राइट? पीवीएच उससे बियॉन्ड जाके क्या क्या और चीजें हैं और रीजंस हैं वो उन्होंने फाइंड आउट किया, और इन डेप्थ नॉलेज हम देते हैं कि कैसे ये अफेक्ट करता है हमारे डे टू डे लाइफ में और कैसे हम इससे छुटकारा पा सकते हैं. तो हम जानेंगे कि व्हाट इज द एक्चुअल कॉजेस ऑफ डिजीजेस. बैक्टीरिया वायरस तो है ही, और भी है, बहुत सारी चीजें हैं. लैक ऑफ बैलेंस डाइट, डाइट प्रॉपर नहीं लिया, कुछ भी कभी भी खा लिया, उससे भी बॉडी का सिस्टम अस्त व्यस्त हो गया और हम रोगिस्ट हो गए. फिर है इमोशनल इश्यूज, साइकोसोमेटिक इश्यूज, ट्रॉमा वगैरह, साइकिक अटैक्स. ये थोड़ा पेचीदा विषय है, बहुत लोगों को इस विषय पे ज्यादा नॉलेज नहीं है, और नॉलेज है भी तो इतना ज्यादा शेयर नहीं करते. डार्क एनर्जीज है या बहुत सारी ऑकल्ट एनर्जीज है या बहुत कुछ है, जैसे कि व्हाइट मैजिक. ये आपने पहली बार शायद सुना होगा कि कुछ व्हाइट मैजिक जैसा होगा, राइट? कितने लोगों ने सुना है व्हाइट मैजिक क्या है? यू ऑल नो,
दो तीन जन, तीन चार जन, और किसी को मालूम है व्हाइट मैजिक क्या है? जैसे ब्लैक मैजिक है वैसे व्हाइट मैजिक बिल्कुल भी नहीं है. व्हाइट मैजिक एक बहुत वास्ट सब्जेक्ट है और मैं छोटे उसको शॉर्ट एंड स्वीट में समझाना चाहूं तो एक मेस्मराइजेशन बोलते हैं, वशीकरण जैसा. और इसका पूरा नॉलेज हम हमारे वर्कशॉप में देते हैं कि ये कैसे आता है, कहां से आता है और इसको हम कैसे न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही गंभीर विषय है और इसकी चर्चा हम सिर्फ वर्कशॉप में करते हैं. ब्लैक मैजिक तो सबको मालूम है, एवरीवन नोस, और बहुत सारे लेवल्स भी हैं उसके ब्लैक मैजिक के. सो वो भी एक क्रिएट करता है हमारे लाइफ में प्रॉब्लम्स, कि क्या क्या प्रॉब्लम्स ब्लैक मैजिक से आ सकते हैं, और ये सब हम इस वॉन के द्वारा चेक कर सकते हैं. ये जो भी डार्क एनर्जीज है या ऑकल्ट एनर्जीज है या नेगेटिव प्रैक्टिसेस लोग करते हैं और जो कॉर्ड्स और वगैरह बेचते हैं या व्हाइट मैजिक हम पे आता है, ये सब कुछ हम इस वॉन के द्वारा एक्यूरेटली चेक कर सकते हैं और उसका उसको निकालने के लिए, उसको हील करने के लिए क्या प्रोसीजर है, ये प्रॉपर नॉलेज हम हमारे वर्कशॉप में देते हैं. और ये छोटे 8-9 साल के बच्चे से लेके कोई भी उम्र का सीख सकता है. इतना इजी टेक्निक्स है, इतना सेफ टेक्निक्स है और देयर इज नो साइड इफेक्ट एट ऑल, नो साइड इफेक्ट. कुछ रोग कार्मिक अटैक से भी आते हैं, जैसे कुछ स्पेशल चाइल्ड हो, ऑटिज्म वाले हैं या एपिलेप्सी वाले हैं या बाइपोलर हैं या कुछ बड़ी बहुत गंभीर बीमारी उनको जन्म से ही है, तो इसका कनेक्शन उनके पास्ट लाइफ कर्मा से भी जुड़ा रहता है. सो वो भी एक मैटर है, वो भी एक कारण है कि हमें सफरिंग्स क्यों होती है. ह्यूमन बॉडी, ये जो दिखता है सब देख सकते हैं, इसके बाहर अगर आपको ये सब चीजें जाननी है कि हम पे किसने कॉर्ड्स डाले या कहां से ब्लैक मैजिक आ रहा है, व्हाइट मैजिक आ रहा है या कोई नेगेटिव या ऑकल्ट एनर्जीज है या स्पिरिट्स है या कोई सोल्स हमसे अटैच हुई है, ये सब हम इस वॉन के द्वारा जान सकते हैं. और ये कैसे जानना है ये हम वर्कशॉप में इजीली सिखा सकते हैं. Of what? So, जबी भी कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, जाएंगे डॉक्टर के पास, कंसल्ट करेंगे, दवाई लेंगे और वी आर हैप्पी, वी आर फाइन. लेकिन हम अगर उससे बियॉन्ड जाएंगे कि हमारे ओरा में क्या है या कहां से कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कैसे आ रही हैं, उसका रीजन क्या है, तो वो हम इस वॉन्ड से इजीली पता लगा सकते हैं. लाइक ओके फ्रंट, व्हाट इज योर नेम? हेमंत. हेमंत परफ. हेमंत परफ. सो नाउ इनका ये फिजिकल बॉडी है. इनके फिजिकल बॉडी को मैं चार पार्ट में डिवाइड करूंगा. फर्स्ट पार्ट इज वर्टिकली, यानी ये राइट पार्ट हो गया इनका और ये लेफ्ट पार्ट हो गया, और मैं फिर हॉरिजॉन्टली इनको पार्ट करूंगा, तो ये अपर हो गया, ये लोअर हो गया. यानी अब मैं इस वॉन को पूछूंगा कि मुझे हेमंत जी की एनर्जी बॉडी को दिखाइए. लाइक आई एम आस्किंग दिस वॉन, आई एम कमांडिंग दिस वॉन, हीलिंग वॉन बिकम एज पावरफुल एज रिक्वायर्ड टू शो मी द एनर्जी बॉडी ऑफ हेमंत. अपर राइट, ये इनका अपर राइट हो गया, ये लोअर राइट, ये अपर लेफ्ट, ये लोअर लेफ्ट. सो मैं सिर्फ वॉन्ड से पूछूंगा, हीलिंग वॉन्ड, मुझे हेमंत जी की अपर राइट की एनर्जी दिखाइए. जैसे ही मैंने वॉन्ड को कमांड दिया, वॉन्ड इजीली मूव होगा और जहां तक इनकी एनर्जी है
वहां तक आके वॉन्ड अटक जाएगा. So, इनकी एनर्जी बॉडी का दायरा यहां से यहां तक का है. सेम वे मैं लोअर बॉडी की एनर्जी को पूछूंगा कि इनकी लोअर बॉडी की एनर्जी को मुझे दिखाइए. सो ये मैं खुद से नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ वॉन को अलाउ कर रहा हूं कि वॉन मूव हो और इनकी जहां तक एनर्जी बॉडी जा रही है वहां तक ये आके अटक जाएगी ऑटोमेटिकली. ये आप भी इजीली सीख सकते हैं वर्कशॉप में आके. इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इजी है. एक छोटा 9-10 साल का बच्चा सीख सकता है. ओके, नाउ फेसिंग दिस साइड. सो मैंने इनको फेसिंग इस साइड क्यों करने के लिए कहा, क्योंकि जब भी मुझे एनर्जी चेक करनी है तो मेरा हाथ बाहर की ओर जाना चाहिए, ना कि अंदर की ओर, नहीं तो मैं ही मेरा इनका ब्लॉकेज बन गया. सो मुझे अभी इनके लेफ्ट साइड की एनर्जी को जानना है. सो मैं बोलूंगा हीलिंग ऑन, मुझे इनकी अपर लेफ्ट की एनर्जी को दिखाइए. थोड़ा सा अपर लेफ्ट में कुछ प्रॉब्लम दिखा रहा है क्योंकि ओरा थोड़ा सा कम है नॉर्मल से. फिर मैं पूछूंगा लोअर लेफ्ट की एनर्जी को दिखाइए. नाउ ये तो हुआ मेरी ओरा का कहां कहां से मुझे ओरा श्रिंक है या ब्लॉकेज है. अगर ब्लॉकेज है तो वो बहुत बाहर तक जाएगा, अगर ब्लॉकेज नहीं है और श्रिंक है तो वो नॉर्मल 1 से 1.5 फुट के अंदर चला जाएगा. सो आपका थोड़ा सा लेफ्ट साइड में कुछ गड़बड़ है, बाकी नॉर्मल है. अब हम चेक करेंगे इनके सोलर प्लेक्सस में, क्योंकि सोलर हमारा जो है दैट इज द मेन एंट्री पॉइंट ऑफ एनी पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जीज, एनी एनर्जीज वो हमारे सोलर से आके फिर हमारे ओरा में जाती है, बॉडी और ओरा में चली जाती है. सो मैं इनके सोलर प्लेक्सस को चेक करूंगा. So, मैं सिर्फ मन में यही बोल रहा हूं कि मुझे इनकी सोलर चक्र की एनर्जी को दिखाइए. हीलिंग वॉन्ड मुझे इनकी सोलर की एनर्जी को दिखाइए. अभी मैं पूछूंगा इनपे कोई कॉर्ड्स है या नहीं, कोई नेगेटिव एनर्जीज है या नहीं. इज देयर एनी कॉर्ड्स इन हेमंजिस सोलर. अगर वॉन्ड मूव हो रहा है तो यस देयर इज अ कॉर्ड्स. इज देयर एनी बीएम, कुछ बीएम आप पे है. देयर इज नो बीएम, फिलहाल इन पे कोई बीएम नहीं है. बीएम यानी ब्लैक मैजिक. तो पहला आपने किया वो क्या था, लंबा बोला दूर तक गया है वो ओरा में कोई ब्लॉकेज आ जाता है तो ओरा थोड़ा एक्सपांड होके बड़ा हो जाता है तो, और अगर डिप्लीशन होता है तो ओरा थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, अंदर तक जाता तो है. आपने लंबा क्या मतलब ब्लॉकेज है, कॉर्ड्स है. कॉर्ड्स मींस क्या, हम जानते हैं कॉर्ड्स यानी क्या. कॉर्ड्स कहीं से भी आ सकती है, नोन पर्सन अननोन पर्सन कहीं से भी. कॉर्ड्स लाइक एक एनर्जी कनेक्शन है मेरे और उस दूसरी व्यक्ति के दौरान, उसके मेरे और एक्स वाई जेड व्यक्ति के दौरान जो भी कॉर्ड्स आती हैं. अगर मैं किसी के बारे में गलत सोच रहा हूं, कोई भी व्यक्ति है उसके बारे में मुझे गलत, या मैं नाराज हो गया और उसके बारे में मैंने गलत सोच लिया, तो मेरे एनर्जी बॉडी में से एक इनविजिबल कनेक्शन उसकी एनर्जी बॉडी में जाएगा. उसको हम बोलते हैं वो कनेक्शन को कॉर्ड्स. एक इनविजिबल कनेक्शन ऑफ एनर्जी को बोलते हैं हम कॉर्ड्स. फिर मैं बहुत ज्यादा नाराज हूं उससे और बहुत ज्यादा गलत सोच रहा हूं, तो वो एनर्जी मेरे एनर्जी बॉडी से उसकी एनर्जी बॉडी में कंटिन्यूअसली फ्लो होती जाएगी. सो ये चेक करना, हम इससे चेक कर सकते हैं कि कहां से आ रही है. तो ये कॉर्ड्स हमें हमारे फैमिली मेंबर्स से, हमारे इनलॉज से, कोई भी अनजान या जान व्यक्ति से, फ्रेंड सर्कल से, बिजनेस से, बिजनेस के रिलेटेड लोगों से, बहुत सारी जगह से आते रहते हैं और हम भी भेजते रहते हैं, नोइंगली या अननोइंगली, जानकर या अनजाने में. और
इसे कैसे न्यूट्रलाइज करना है, ये भी एक प्रोसीजर है, हमें जो अफर्मेशंस हैं उससे ये हम न्यूट्रलाइज कर सकते हैं. हम काटते नहीं हैं कोई कॉर्ड्स, लेकिन हम सिर्फ न्यूट्रलाइज कर देते हैं. अब ये कॉर्ड्स कहां से आ रही हैं? इज देयर कॉर्ड्स कमिंग फ्रॉम योर फैमिली मेंबर्स? बॉन्ड नहीं जा रहा है तो आंसर नो है. इन लॉस फैमिलीज, यस, सम ऑफ द कॉर्ड्स आर कमिंग फ्रॉम इन लॉस. फ्रेंड सर्कल्स, फ्रेंड सर्कल से, यस. एनी बिजनेस रिलेटेड पीपल्स, यस, सम ऑफ द कॉर्ड्स आर बिजनेस रिलेटेड पीपल्स. सो अब करें तो क्या करें? कॉर्ड्स तो हमें पता चल गया कि कॉर्ड्स आ रही हैं. सो इसका भी इलाज है कि हमें वो न्यूट्रलाइज करनी है. तो न्यूट्रलाइज कैसे करेंगे? हम अफर्मेशंस पढ़ेंगे और कॉर्ड्स इमीडिएटली न्यूट्रलाइज हो जाती हैं. ये अफर्मेशन फॉरगिवनेस पे रिलेटेड है. हमें जहां से भी कॉर्ड्स आते हैं, हम उनके लिए क्षमा मांगते हैं और वो कॉर्ड्स न्यूट्रलाइज हो जाती हैं. सो यू जस्ट हैव टू लुक एट इट. आपको लेफ्ट साइड में कुछ प्रॉब्लम है? यस, क्योंकि थोड़ा कुछ मुझे हार्ट रिलेटेड इश्यूज दिखा रहा है. या दिस इज फॉर योर इन लॉस फैमिली मेंबर्स. यू हैव टू जस्ट लुक एट इट, नथिंग एल्स. जस्ट 5 सेकंड के लिए देखना है. जैसे ही ये देखेंगे, मैं चेक करूंगा इन लॉस से जो कॉर्ड्स आ रही हैं वो अभी भी हैं या नहीं. कौन? फ्रेंड सर्कल से हैं? यस, फ्रेंड सर्कल से हैं, क्योंकि उन्होंने अभी फ्रेंड सर्कल वाला पेज रीड नहीं किया है. फ्रेंड सर्कल्स और बिजनेस रिलेटेड पीपल्स, बस आपको सिर्फ देख के, जस्ट होल्ड इट अप. जहां से भी मेरे फ्रेंड सर्कल्स और बिजनेस रिलेटेड लोगों से कॉर्ड्स आ रही, उन सभी के लिए. कौन? इमीडिएटली कौन? आपके पास मोबाइल है? हाँ. दीजिए. एक हम छोटा सा डेमो लेंगे कि मोबाइल कितने हार्मफुल है हमारी ह्यूमन ओरा के लिए, हमारी ह्यूमन बॉडी के लिए. सो जस्ट मैं आपको, आपको यहां हाथ रखना है, आपका लेफ्ट हैंड राइट शोल्डर पे रखना है. सो जो ये पार्ट है वहां पे अभी यही मुट्ठी यहां पे बंद करके रखनी है, ये मुट्ठी. यस, ये एक सीक्रेट है. यहां जो है पार्ट वो सीक्रेट है, मैं आपको बाद में बताऊंगा. और ये हाथ को आपको स्ट्रेट रखना है. यस, मैं आपको प्रेस करूंगा, आपको रेजिस्ट करना है, आपको हाथ नीचे नहीं जाने देना है, कुछ भी हो. क्लियर? रेडी? हाँ, काफी स्ट्रांग. अब मैं आपको सिर्फ मोबाइल वो हाथ में पकड़ने दूंगा और सेम हम वो टेस्ट वापस करेंगे. वहां पे पकड़ लीजिए मोबाइल नीचे जहां पे. हाँ, यस, और सेम टेस्ट हम करेंगे. आप रेडी हो तभी बोलना. रेडी? आपको दर्द होगा अगर आप बहुत ज्यादा करेंगे तो. यहां दर्द हुआ? यस, क्योंकि आपने बहुत, मुझे नीचे नहीं जाना है. वापस करते हैं एक बार. पहले मैंने पूरा हाथ उनसे, उनको प्रेस करवाया था. आपको कुछ डिफरेंस महसूस हुआ? एनर्जी तुरंत वीक हो गई. सिर्फ मोबाइल आपने रखा और एनर्जी वीक हो गई.
रखिए, मोबाइल रखिए और मोबाइल के साथ में इसको भी रखिए वहां पे, सिम सिम रेडी पक्का। फर्क महसूस हुआ आपको सर? सेम चीज, एक मैं वापस इनको कुछ देना चाहता हूं। मोबाइल के अंदर डाल दीजिए, अभी डाल दीजिए, इसका डेमो भी हम देखेंगे। जस्ट ऐसे ही पकड़ के रखिए मोबाइल में। द सेम टेस्ट रेडी अगेन रेडी। पहले से ज्यादा मैंने ताकत लगाई थी इस बार, डिफरेंस पता चला आपको? ये मेरे ख्याल से एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी। ये जो कार्ड है, ये छोटा सा पीस ऑफ पेपर नहीं है, ये जो ज्योमेट्री है जो वॉन्ड पे भी है और इस कार्ड में छपी हुई है, दैट इज कनेक्टेड टू बोरोबुदुर टेम्पल, और ये पूरे मोबाइल की जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है उसको कट कर देती है, जिससे कि वो वेव्स हमें हमारी ह्यूमन बॉडी में और हमारे ओरा को अफेक्ट नहीं करेंगे। सो ये बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी टेक्निक्स है जो आपको वर्कशॉप के दौरान आराम से इजीली सीखने मिल सकती है। थैंक यू। हमारे वर्कशॉप्स, मैं बोरीवली टीम से हूँ, हमारे 48th वर्कशॉप हो चुके हैं, 49th सॉरी, और 50th वर्कशॉप अभी फरवरी में होने जा रहा है। उसके लिए जो भी आपको मेरा नंबर लेना है तो आप नंबर ले सकते हैं। हमारे वर्ल्ड वाइड PVS के जितने भी वर्कशॉप रहते हैं वो टोटली फ्री में होते हैं, और सर का भी वर्कशॉप होता है तो टोटली सर खुद के पैसों से जाते हैं, आते हैं, रहते हैं और फ्री में ये नॉलेज सबको स्प्रेड करते हैं। Isn't it amazing guys? ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच ऑर्गेनाइजर्स इतना टाइम देने के लिए। मेरा नंबर आप ले लीजिए, मेरा नाम है रिंकेश छेड़ा और नंबर है 9833012163। ये छोटा सा ट्रेलर भी मैं नहीं बोलूंगा, इट्स जस्ट अ इंट्रोडक्शन भी नहीं बोलूंगा, जो भी मैंने बताया आज उससे बहुत वास्ट चीजें हैं और बहुत इजी हैं और बहुत कुछ आप खुद जान सकते हो। वो वर्कशॉप में आइए, सीखिए, हमारे वर्कशॉप थ्रू आउट फ्री में हैं, आपको जितनी बार रिपीट करना हो आप रिपीट भी कर सकते हैं, कोई इश्यूज नहीं है, और आप इजीली खुद को और दूसरों को इजीली हील कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू रिंकेश, इट्स जस्ट 4 to 6 आवर्स ऑफ वर्कशॉप। First day it is, first the wand which he has got, that is white wand, if they आपको white wand मिलेगा हमारे वर्कशॉप में। ये वर्कशॉप, ये जो पर्पल wand है वो जो मेन फाउंडर शिवा सर आते हैं मुंबई में या कहीं पे भी, वहां पे आपको ये पर्पल कलर का wand मिलता है। दैट इज इंडिकेशन कि आपने शिवा सर का एक वर्कशॉप अटेंड किया है, दैट इज द इंडिकेशन कि वो पर्पल wand। बाकी wand जितने भी हैं, white है, purple है, same work करता है। Even ये wand के 4-5 टुकड़े भी हो गए तो भी ये वॉन्ड इतना ही पावरफुल है जितना पहले था। सो नो इश्यूज, इसको कहीं पे भी रखिए, कहीं पे भी ले जाइए, देयर इज नो रूल, एक ही रूल है, देयर इज नो रूल। थैंक यू सो मच। थैंक यू रिंकेश। थैंक यू। शिवा सर ने कुछ टाइम पहले, 6 महीने पहले जब वो आए थे तभी उन्होंने स्पेशली फर्स्ट टाइम फीमेल्स के लिए वर्कशॉप लिया था, उसमें उन्होंने ऐसा ही पिंक वॉन्ड दिया था सबको, एंड इट इज़ अ वेरी वेरी पावरफुल हीलिंग्स के लिए, फीमेल्स के जो डिसऑर्डर्स होते हैं, और वो सिर्फ वो फीमेल्स को ही सिखाते हैं, वो ओनली फीमेल्स, मेल्स आर नॉट अलाउड इन दैट, एक्सेप्ट ही, नो अदर मेल्स। सो इट वॉज रियली अ वंडरफुल लर्निंग फ्रॉम शिवा सर and the others, their team is so huge, they are conducting the courses in each and every part of the Mumbai. Not necessary that you have to go to him only in Borivali, but lots of people. बहुत सारे teachers हैं central line में, western line में, बहुत सारे courses, आज भी लगभग पूरे इंडिया में लगभग 25 से ज्यादा वर्कशॉप हो रहे हैं,
अलग अलग पार्ट्स में, साउथ में हो रहा है, दिल्ली में हो रहा है, आज सिवा सर भी महाराष्ट्र में है, और 1-2-3 फरवरी को मुंबई में वर्कशॉप होने वाले हैं उनके. सो वेबसाइट भी है हमारा www.pranaviolethealing.org, वहां पे भी सब डिटेल्स आपको मिल जाएगा, कितने वॉलंटियर्स हैं, कितने टीचर्स हैं, कहाँ कहाँ है वो, और उनके कॉन्टेक्ट नंबर. आप सिर्फ प्राणा वायलेट हीलिंग भी डालेंगे ना, आपको सब कुछ डिटेल्स और मिल हमारे यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस हैं, बहुत सारी चीजों के वीडियोस हैं जो सर हीलिंग करते हैं अलग 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 चीजों के, वो सब वीडियोस भी डाले हुए हैं, वो भी आप चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं. ओके, थैंक यू रिंकेश. प्लीज काइंडली कलेक्ट योर मोमेंटो एंड द सर्टिफिकेट फ्रॉम मिस्टर बी कुमार एंड मिस्टर अशोक सचदेव, प्लीज. हाँ, गुजरात में पण थाय छे, गुजरात में पण थाय छे, यू कैन जस्ट डू इट. श्योर, श्योर, आई विल गिव, नो प्रॉब्लम.